सिमिलरली का भी आता है। सबका शॉर्ट फॉर्म सिमिलरली का भी कंसंट्रेशन का लिख सकता है आराम से। सॉल्यूशन कर सकते हैं ना बच्चों, केमिस्ट्री लिखो जल्दी लिखो, और कल वाला बता दो थोड़ा बहुत करके, कृपा कर दो बता करके। क्या समझा? कैलकुलेट द रेडियस, ये सब बताया था क्वांटम का। कल वाला बता दो क्वांटम नंबर में शेप ऑफ ऑर्बिटल बताए थे ना, शेप ऑफ ऑर्बिटल में एस का कैसे बनता है? एस का ये होता है, क्या होता है ये, मतलब गोल होता है, स्फेरिकल गोला। पी का एक्स एक्सिस डिम, डम्बेल। अपने अपने एक्सिस पर अलग अलग होता है, एक्स पर अलग होगा, वाई पर ऐसे होगा, जेड पर ऐसे होगा। डबल डम्बल डी में क्या होता है? डबल डम्बल। उसमें भी क्या होता है? एक्सिस के बीच में रहता है, यानी बिटवीन एक्सिस, एक्स एंड वाई के बीच में अलग अलग में रहता है। उसके बाद में जो लास्ट में हो जाता है डी एक्स डी जेड स्क्वायर जो होता है वो एक्सिस पर रहता है। उसके चारों ओर क्या रहता है? रिंग रहता है, जो क्यों अच्छा से उसको बता भी दिए थे 3D जैसे देखने। Yes, of F orbital. और एफ ऑर्बिटल के बारे में क्या बताया था कि कॉम्प्लिकेटेड रहता है वो एफ ऑर्बिटल। हाँ, उसको आगे पड़ेगा पीजी में। पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब MSc साइंस। क्या हुआ? हाँ तो मतलब ये तो सब जानते हैं, सब जानता है इसमें तो मिटा दें। नहीं मतलब बता कैसे नहीं बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चल लिखो जल्दी लिखो। देखो इसमें करना क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हम कल चार के बारे में पढ़े थे, आने खाली नाम देख के रखे थे कि जो क्वांटम नंबर होता है वह क्या होता है? सेट होता है। एक प्रकार का चार नंबर का सेट है, वह क्या दर्शाता है? सेल, सबसेल, ऑर्बिटल, ये सब दर्शाता है। यानी मान लो कि किसी का घर एड्रेस पता, यानी समझ लो कि सीधा शॉर्ट में समझ लो, क्वांटम नंबर दर्शाता क्या है कि किसी चीज़ का एड्रेस दर्शाता है। तो इसमें किसी चीज़ कहने का मतलब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का एड्रेस दर्शाएगा, समझा? तो वही दर्शाता है, एड्रेस दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने का संभावना कहाँ पर रहेगा। तो सबसे पहले मान लो कि यदि हम देखते हैं तो शहर जाते हैं, उसके बाद में उसका गांव आते हैं, उसके बाद में उसका घर देखते हैं, उसके बाद में उसका कमरा देखते हैं, उसके बाद में उसका अब एक कमरा रूम में क्या बोलते हैं, अब उसके बाद में रूम में कहीं तो होगा कोई खिड़की, क्या कहते हैं, अलमारी सब, तो वहाँ पर जाकर रखा रहेगा रसगुल्ला। उसी को हाँ उसी को बोल हाँ तो उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। हाँ दूर में, हाँ इतना छोटा, हाँ तो डिलीवरी नहीं जाता पहले। हम जो सब्सक्रिप्शन जैसे उसमें था कि पुणे से आने वाला था बुक, पुणे से आया रांची, रांची से आया फिर यहाँ पोस्ट का हजारीबाग, हजारीबाग से आया फिर कोरा पोस्ट ऑफिस, कोरा पोस्ट ऑफिस से फिर मेरे पास फ़ोन आया, मेरे पास फ़ोन आने के बाद फिर हम वहाँ गए, उसके बाद लाए। देखो इसमें पढ़ना क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल आने चार क्वांटम नंबर में चार बता दिए थे कि चार सेट होता है, यानी क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन होता है। उसमें से हम आज पहला पढ़ रहे हैं। देखो पहला में क्या बताता है कि द क्वांटम नंबर विच इंडिकेट द नंबर ऑफ सेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन आइटम। यानी इसमें पहला लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, समझेगा तो बहुत आसान है। पहला नंबर देखो बहुत आसान है समझना, इधर वहाँ पर आराम से कि यह क्या एक सेट है, यानी किसी भी आइटम्स में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना यानी जो दर्शाता है, तो उसका सेल के बारे में दर्शाता है कि वह कौन सा सेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने का संभावना वहाँ पर रहेगा। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नहीं दिक्कत। मान लो कि समझ लो क्या दर्शाता है, सो तो हमेशा मोबाइल कहाँ रखता है? पॉकेट में रखता है। हमेशा कहाँ पर रखता है? पॉकेट में। तो वही तुम्हारा पॉकेट क्या दर्शाता है कि मोबाइल रखने का स्थान यहीं पर है, समझना? तो इसमें क्या दर्शाता है कि जो सेल के बारे में दर्शाता है कि सेल वही जो दर्शाता है यानी उसी में इलेक्ट्रॉन रहने का संभावना हो जाएगा। हाँ तो हम बताएंगे एक सब सेल में किस में पी में डी में एफ में किस में कम बेसी होता है सबका बताएंगे। अगला देखो धीरे रखो। अगला क्या कि दिस क्वांटम नंबर इज नाउ एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी इस क्वांटम नंबर को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको डिनोटेड कैसे करते हैं? एन से डिनोट करते हैं, छोटा एन से डिनोट करते हैं इसको।
हाँ के एन ओ डब्ल्यू एन नॉन एच हम जानते हैं. दिस क्वांटम नंबर इच नंबर नो लिखे हाँ नंबर को शॉर्ट में लिखे हैं वो कहाँ दे दे यहाँ पर नंबर इज नाउ एच प्रिंसिपल क्वांटम. गलत किया था क्या तुम लोग? चलो पूरा लिख ही देते हैं. नंबर इज नॉन एच प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. नज़दीक था इसलिए लग रहा था दिक्कत. अगला क्या कि इट डिस्क्राइब दिस सेल और ऑर्बिट यानी यह सेल और ऑर्बिट दोनों दर्शाता है. यानी दोनों कहने का मतलब क्या होता है कि सेल और ऑर्बिट एक ही चीज़ को बोलते हैं. डिस्क्राइब मतलब बताना. डिस्क्राइब करके बता रहे हैं हॉल नंबर वैल्यू तो क्या है. अगला देखो जो सेल होता है क्या होता है एन में जदि मान लेते हैं जिसको क्या बोलते हैं. अगला जदि दो लेते हैं तो एल बोलते हैं. तीसरा में तीन लेते तो क्या होता है एम. चौथा में चार तो एन. पाँचवा में वो यानी आगे बढ़ते जाएगा तो लेकिन उतना इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि आगे अभी रखने का संभावना है. जैसे ये लोग नहीं बताए थे इस तरह का. यदि हम एन बराबर वन लेते तो क्या हो जाएगा के. एन बराबर यदि हम टू लेते तो क्या होता है एल. इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा. अब मान लो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल और ऑर्बिट यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सेल में कितना रख सकते हैं. तो इसका जो फॉर्मूला था वो क्या होता है टू एन स्क्वायर होता है. यानी जब हम एक सेल का बात करते हैं पहला सेल का तो फटाक से इसमें वैल्यू वन पुट करेंगे आ जाएगा दो इलेक्ट्रॉन. वही पुट किया पहला सेल में दो ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं. हाँ तो ये कब से बता रहे हैं? आज से नहीं बता रहे हैं कि पहला सेल में दो इलेक्ट्रॉन रखना तो उतना ही रहेगा. तो इसमें क्वेश्चन करने वाला बात था ही नहीं. अगला देखो कोई बात नहीं. एन बराबर कितना हो जाएगा टू. यदि हम टू लेते हैं तो क्या हो जाता है एट हो जाएगा क्योंकि इसमें फटाक से टू बैठाएंगे टू का स्क्वायर करेंगे फोर आ जाएगा. इसमें दिक्कत कहें? अगला लिखे अगला नंबर में. अगला में लिखो टॉपिक दो एजीमुथल क्वांटम नंबर. हाँ इधर देखो अब इसमें क्या करना है. इसमें करना कुछ नहीं है तो करना क्या देखो इधर इसका अगला पॉइंट में लिखना है कि इट इज़ आइडिया अबाउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. यानी इसका मतलब क्या समझा? बोला है भैया. हाँ क्या बोला? इट इज अबाउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी और इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस न्यूक्लियस से. देखो यहाँ बताता है आराम से देखना कि जो इलेक्ट्रॉन घूमता है इसका एनर्जी बताएगा कि इस फर्स्ट सेल में कितना एनर्जी के साथ आने कितना एनर्जी रहता है. दूसरा क्या दर्शाता है दूसरा पॉइंट में कि इलेक्ट्रॉन एंड डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. देखना डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस दो चीज़ हो गया. अरे डस्टा तो देखो एनर्जी जो दर्शाता है उसका फॉर्मूला ये हो गया जो पहले भी लिखाए होंगे साथ. अगला में है रेडियस लिखाए होंगे नहीं लिखाए. रेडियस का फॉर्मूला ये हो गया. इसमें कोई दिक्कत? अगला देखो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आल्सो इंडिकेट द एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम्स. नो है कि नंबर? नंबर वही तो नंबर लिखे. नंबर के बाद डॉट दे देता यहाँ ऐसे कर दें नीचे बिंदु दे दीजिए नहीं वही है. हो गया. अब देखो यह क्या से एनर्जी लेवल दर्शाता है. मान लो हम क्या दर्शाएं कि इसमें जो एनर्जी रहता है उसको दर्शेवे करता है. इसका एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का अपना एनर्जी रहता है यानी इसमें जो हो गया वह इसका एनर्जी लेवल है. यहाँ पर जो एनर्जी बता रहे हैं वह इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का घूमने का हो जाएगा. समझा? हाँ तो अब इसमें देखो इसको छोड़ दो इसको तो पता है इसके बारे में पता है. इसका देखो मान लो कि यदि हम कि यू1 का निकालते हैं. देखो यदि हम पहला का एनर्जी निकालते हैं इलेक्ट्रॉन वन का तो यदि हम सेल में लेते हैं क्या चीज़ यदि हम एन बराबर वन लेते हैं तो वन का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देगा भागा दे करके इसका आंसर हाँ पहला वाला तो एक ही आ जाएगा. इलेक्ट्रॉन हाँ यही दर्शाता है. समझ गया? तो जितना वैल्यू पुट करते जाएगा आगे निकलते जाएगा. इसमें कोई दिक्कत है क्या? तो हम बोले ना कि जितना सेल लेगा यार मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल फिर नंबर ऑफ ऑर्बिट दर्शाता है. तो जितना आगे पुट करेगा उतना एनर्जी आते जाएगा. ऊपर तो वही रहेगा हाँ ऊपर तो यही रहेगा. तो ऊपर में कहाँ तुम वैल्यू पुट करेगा हाँ दो पर में चार का फिर भागा देगा तो आ जाएगा एनर्जी. तो मतलब भागा देंगे तो मतलब कि ये ज़्यादा हो जाएगा कि कम? अब देखो इतना समझना
भागा देगा तो क्या होगा, कम होगा कि बेसी होगा? काम होगा। इसका भी इसका इधर देखना, इसका वैल्यू जितना बढ़ाएगा उसका वैल्यू इतना घटेगा। तो माइनस में तो ज़्यादा नहीं होगा, तो वो ज़्यादा होगा। हाँ, घटते जाएगा, घटते घटते और ज़्यादा ही हो जाएगा। पहले उसके बाद देखो इसमें एजिमुथल में देखो, उसके बाद फिर कल आगे बता देंगे, ठीक। देखो एजिमुथल क्वांटम नंबर में क्या बताता है कि दिस क्वांटम नंबर विच इंडिकेट सबसेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रजेंट। यानी इसका मतलब क्या समझा, ये क्वांटम नंबर जो दर्शाता है वह इंडिकेट करता है सबसेल के बारे में। सबसेल मतलब जो पता है कि एस जो होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है, तो उसमें दर्शाता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है। समझा कि प्रत्येक में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो देखो यदि हम इसको जानना चाहेंगे तो यदि हम इसको ऐसे लेते हैं तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। तो वो हिसाब से इसको कैसे बनाया गया था, छोटा छोटा सबसेल करके बनाया गया था। तो आगे हम देखेंगे कि किसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, किसके लिए कितना सबसेल जो बनता है वो बनता है, आगे हम बताएंगे। इसको अभी समझते जाओ कि दिस क्वांटम नंबर विच इंडिकेट सबसेल इन विच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। यानी जो इस क्वांटम नंबर के बारे में, हाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, हाँ उसके बारे में यह बताता है। पहला में क्या था कि सेल के बारे में बताएगा कि पहला सेल में कि जो क्यों होता है उसका वैल्यू वन होता है, एफ जो होता है उसका टू होता है, तो उसके बारे में। दूसरा बताता है, दूसरा आदमी आया, मान लो कि पहला आदमी नाम रखा, तो दूसरा आदमी अब क्या बोला कि नहीं हम इसको पढ़ाएंगे, तो दूसरा आदमी आकर अलग नाम दे दिया कि इलेक्ट्रॉन को रखने वाला का, रखने जो जिस डब्बा में रखेगा उस डब्बा को रखने के लिए हम बनाएंगे। समझा। अगला देखो कि दिस टाइप ऑफ क्वांटम नंबर इज नाउ एज एजिमुथल क्वांटम नंबर। यानी इस टाइप के क्वांटम नंबर को एजिमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। अगला देखो कि इट इज डिनोटेड बाय एल। इसको जो पहला वाला को किससे डिनोट कर रहे थे, एन से, दूसरा वाला किससे कर रहे हैं, एल से। अगला में कहता है वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर इज लाइफ फ्रॉम एल, एल बराबर जीरो रहेगा और एन माइनस वन। यानी इसका जो वैल्यू रहेगा वह क्या रहेगा, यानी जीरो से बड़ा रहेगा लेकिन एन माइनस वन से क्या रहेगा, एन माइनस वन से छोटा रहेगा। कैसे रहेगा नहीं रहेगा हम अभी फिलहाल तुरंत बताएंगे, इसका एग्जांपल देकर के। द वैल्यू ऑफ लाई इज एल जीरो टू एन माइनस वन तक, इसको यहाँ लिख लो। उसके बाद में इसका वैल्यू को हम बता देते हैं अभी, कल बताएं।